अनिमा अरुज नाटो, मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी बेटी भी यहाँ से पढ़ चुकी है माशाल्लाह से, वो भी अच्छे से पास होकर यहाँ से एग्ज़ाम 12th भी कंप्लीट करके गई है। इंशाल्लाह छोटी बेटी भी मेरी पढ़ रही है, इंशाल्लाह यहाँ पर अच्छे से और मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, टॉप 10 में रहेंगी। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मेरी बेटियों का एक ही स्कूल में 1st स्टैंडर्ड टू पूरा 12th तक यहीं पढ़ाने का इरादा है मेरा। बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ मॉरल पे भी तवज्जो दी जाती है, जो आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सभी के लिए। बच्चे तालीम के साथ साथ एक अच्छे इंसान बने, मतलब अच्छे अखलाक वाले इंसान बने, सबसे बढ़कर यही चीज़ है। इंशाल्लाह आगे भी हमारी बेटी भी जो अच्छी बच्चे करेंगी अच्छे मार्क्स से, अगर वो कामयाब हो गए तो 12th तक हम यही करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी लड़की नशरा यमीन जो विजडम स्कूल में नर्सरी से तालीम हासिल कर रही हैं, स्कूल का माहौल, पढ़ाई, तमाम असातिज़ा की मेहनत काबिले तारीफ है। मेरा अपनी राय इतनी है कि स्कूल में अगर प्लेग्राउंड हो तो तुलबा में और दिलचस्पी बढ़ेगी। पीरियड उनको अगर दिन में नहीं तो भी 1-8 दिन में एक पीरियड उनका ऐसा होना चाहिए जो खेल का हो, जिससे तुलबा की पढ़ाई पर भी असर होता है और वो और तालीम हासिल करने के काबिल होती है। जी मेरा नाम अब्दुल रहमान है और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं 5th में 7th में 10th में, और यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, बच्चों का बेसिक भी अच्छा है, और यहाँ पे बच्चे बहुत ही जो टैलेंट और अच्छे अखलाक वाले और अच्छे बहुत ही जो ना एक्सीलेंट बनते हैं, और हमारे बच्चे भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरे तमाम बच्चों को विजडम इंस्टीट्यूट से जोड़ने का अहम मकसद ये है कि यहाँ पे असरी तालीम के साथ साथ बच्चों के जो मॉरल एजुकेशन लेके चलते हैं, बच्चों के अखलाकियात प्लस बच्चों की दीनी दुनियावी दोनों तालीम पे यहाँ पे जो फोकस किया जाता है, लड़कियों को ख़ास तौर से पर्दे की पाबंदी और तालीम के साथ साथ माँ बाप बेफिक्री से छोड़ सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। बच्चों की तालीम में भी इतना इम्प्रूवमेंट है, मैंने पहले बच्चियाँ दूसरे स्कूल में थे वहाँ से निकाल के मैं बड़े लड़कियों को यहाँ डाली, इनका जो लेवल में इम्प्रूवमेंट हुआ वो देख के मेरे घर के तमाम मेरे बच्चियों के कज़न्स घर के तमाम बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस इंस्टीट्यूट से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे बच्चियाँ और लड़के तमाम यहाँ से जूनियर लेवल से लेके पूरा इंटर तक के यहाँ पे तालीम हासिल किए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आसिफ सर की इस इंस्टीट्यूट का, जो लड़कियों को पर्दे की पाबंदी के साथ एक अच्छी तालीम फराहम कर रहे हैं, दीनी तालीम फराहम कर रहे हैं। तमाम दुआएँ बच्चों को हम घर में सिखाने के साथ साथ जब स्कूल में वो माहौल मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन से जो जुड़े हुए हैं बहुत मुतमईन होते पेरेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट को भिजाने के बाद, वरना आजकल स्कूलों का ऐसा माहौल है कि बच्चे बिल्कुल दीन से हट जा रहे हैं। हम जब चाहते कि बच्चे एकदम एक इंग्लिश स्टैंडर्ड से जाना, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है बच्चों को हमारे अपने दीनी माहौल में ढाल के लेके चलना। हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा अपना इस्लाम बेसिक, जो इस स्कूल में हर छोटे से छोटे नर्सरी और LKG लेवल के बच्चों को भी जो दीन के एक बेसिक के साथ बच्चों को जो तालीम दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके कामों में बरकत दे, हमारे बच्चों को एक नेक रास्ते पे चलाए, मैं बहुत मुतमईन हूँ। तमाम पेरेंट्स भी इंशाल्लाह मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तमाम पेरेंट्स भी इस इदारे से बहुत मुतमईन होंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को एक सही और अच्छा मुस्तकबिल अता फरमाए, नेक और साले बनाए, उस्ताद का अदब, पेरेंट्स की फरमाबरदारी और एक दीनदार मुस्तकबिल फराहम करे। आमीन सुम्मा आमीन।